नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारतीय स्टडी सर्कल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अगली कड़ी में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए त्योहारों के इस सीजन का तीसरा वीडियो। और पिछले वीडियोस में हमने त्योहारों के लिए जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में अध्ययन किया, और चैत्र मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं हमने उनके बारे में जाना। कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, तिथियां क्या होती है, हिंदी मंथ कौन कौन से है उनके बारे में समझा, और चैत्र मास को हम पढ़ चुके थे। जैसे कि हमने चैत्र माह के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहारों की सीरीज को हमने पता किया कि शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। उन सभी त्योहारों में आपको एक पंक्ति बताई थी मैंने कि गणगौर के साथ सभी त्योहारों का समापन हो जाता है। गणगौर त्योहारों को समापन की ओर ले जाती है, त्योहारों का समापन हो जाता है, जबकि तीज जो है ये त्योहारों की शुरुआत करती है। एक छोटा सा तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर एक छोटी सी लाइन है, और ये लाइन काफी फेमस है राजस्थान के अंदर कि तीज त्योहार जो है वो तीज से शुरुआत करते हैं और गणगौर पे समाप्ति की ओर हो जाते हैं। तो हमने उसको पढ़ा, गणगौर के बारे में एक छोटी सी जानकारी और कि गणगौर कहाँ की सबसे अधिक फेमस है। तो गणगौर की बात करें तो ध्यान रखना, जब भी गणगौर के बारे में क्वेश्चन बनता है तो गणगौर जयपुर और उदयपुर, गणगौर जयपुर और उदयपुर दो जगह की सबसे ज्यादा फेमस है। जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है, जिसमें आपको पता है कि जयपुर में तो तीज माता की सवारी भी निकलती है, सॉरी गणगौर की सवारी निकलती है। जयपुर में गणगौर की सवारी निकलती है, ईसर गणगौर बनाई जाती है मूर्तियों के, और उन ईसर जो गणगौर है उनकी सवारियां निकाली जाती है गणगौर के मौके पर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर, देखो मैंने दो बात बताई थी, एक ईसर और एक गणगौर, ईसर गौर, ठीक है। ईसर जो है ये भगवान शिव का रूप है, और गौर जो है वो माता पार्वती का रूप है, गौरा मैया जो है उनका रूप मानकर की पूजा की जाती है, शिव और पार्वती। राजस्थान में एकमात्र ऐसी जगह जहां पर हर जगह ईसर और गणगौर दोनों की पूजा होती है, लेकिन एक जगह जहां पर ईसर के बिना गणगौर की पूजा होती है। ईसर जैसलमेर जो है, एक ऐसी जगह है जहां पर बिना ईसर के गणगौर की पूजा होती है। यहां पर ईसर जो है, ईसर की पूजा ना करके केवल गंवर की पूजा की जाती है। इसको गौर भी कह सकते हैं और गंवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसे कहते हैं कि काफी समय पहले किसी आक्रांता ने यहां से गणगौर का मेला था, और उस गणगौर के मेले के दौरान ईसर को उठा करके अपहरण कर लिया ताकि यहाँ के लोग गणगौर का त्योहार न मना सके। उस गणगौर के त्योहार को न मनाने के लिए ईसर का अपहरण किया, लेकिन जैसलमेर के राजा ने फिर भी ये हुक्म सुनाया या आदेश निकाला कि कोई बात नहीं, अगर ईसर का अपहरण कर लिए तो हम गंवर के साथ ही गणगौर मनाएंगे, लेकिन हम गणगौर को रोकेंगे नहीं। तब से जैसलमेर में जो है लगातार बिना ईसर के गणगौर का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस जिले में बिना ईसर के गणगौर मनाई जाती है। काफी फेमस टॉपिक है राजस्थान का गणगौर और तीज, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, यहां पर एक चीज पूछ जाती है कि बेलावनी क्या है। बेलावनी
बेलावनी क्या है? बेलावनी क्या है? कई बात बोलते हैं झूठ बोल रहे उसको बेलावनी बोलते हैं, ऑप्शन दे दिया बेलावनी क्या है। तो बेलावनी जो है देखो गणगौर का जो अंतिम दिन है, गणगौर की पूजा का जो अंतिम दिन है उसको बेलावनी कहा जाता है। गणगौर की पूजा का जो अंतिम दिन है उस अंतिम दिन को क्या कहा जाता है? बेलावनी। तो ध्यान रखना। अच्छा इसके अलावा घूमर किस त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो घूमर जो है वैसे तो सभी त्योहारों पर करते हैं, लेकिन घूमर का जो सीधा सीधा जो संबंध है, घूमर जो किया जाता है वो गणगौर में किया जाता है। घूमर का संबंध किससे है? गणगौर से है। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि घूमर जो नृत्य है उसका संबंध किस त्योहार से है। तो घूमर नृत्य का संबंध गणगौर से है। तो ध्यान रखना है छोटे छोटे केवल ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछ ले जाते हैं कि गणगौर और घूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे महीने की ओर, और दूसरा जो महीना है वो है वैसाख। वैसाख की बात करें तो वैसाख के अंदर भी हमने वही दो पार्ट कर लिए, ये हमारा कृष्ण पक्ष और ये हमारा शुक्ल पक्ष। जैसे कि आपको मैंने बताया कि गणगौर जो है गणगौर के जो है त्योहारों का समापन लेके आती है, तो गणगौर से लेकर के 30 तक के जो त्योहार है उनकी संख्या काफी कम है। 30 के बाद त्योहारों की संख्या बढ़ जाएगी, 30 के बाद आपको हर महीने के अंदर काफी मात्रा में त्योहार देखने को मिलेंगे, लेकिन 30 से पहले जो त्योहार है वो छुटपुट छुटपुट एक दो त्योहार आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर वही पिछले महीने के अंदर 30 को हमने तृतीया को हमने क्या मनाया था? गणगौर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कृष्ण पक्ष तृतीया जो है यहां पर धींगा गंवर। धींगा गंवर जो है इसको हम बैत मार गणगौर भी कहते हैं। जो वैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, और बैतमार जो गणगौर है ये मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़, उदयपुर और जोधपुर, ध्यान रखना ये दो जगह की फेमस है, मेवाड़ और मारवाड़। इसमें क्या होता है, इसमें जो महिलाएं जो होती है वो विभिन्न प्रकार के स्वांग रच करके गली मोहल्लों से गुजरती है और बैत की मारती है। ऐसे कहते हैं कि जिस किसी कुंवारे लड़के की अगर उस बैत की लग जाती है तो ऐसे कहते हैं कि शगुन होता है कि बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली है, उसका विवाह का समय निकट आ चुका है। ठीक है, तो एक शगुन के रूप में भी माना जाता है। तो बैतमार जो गणगौर है इसको बैतमार गणगौर भी कह सकते हैं या धींगा गंवर भी कहते हैं। तो ये कब आती है? वैसाख कृष्ण तृतीया को धींगा गंवर मनाई जाती है। कहां मनाई जाती है, कहां की फेमस है? तो ये मेवाड़ और मारवाड़ की फेमस है। धींगा गंवर के बाद में बात करते हैं, तो इधर कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार है। ठीक है, उधर चलते हैं शुक्ल पक्ष में, तो यहां पर तृतीया वो है आखा तीज। आखा तीज भी कहते हैं, अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया, ठीक है, देखो नाम ही क्या है, अक्षय और तृतीया। अक्षय का मतलब क्या होता है? जिसका कभी क्षय नहीं हो, जिसका कभी क्षय नहीं हो मतलब जिसका कभी समापन नहीं हो। ऐसे कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य की भी बड़ी महत्वता है। अगर इस दिन आप जो दान पुण्य करते हैं तो कभी क्षय नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता। इस दिन किया गया कार्य बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो शादियां होती है, जो विवाह होते हैं, जो अबूझ मुहूर्त होते हैं जिनके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या ऐसे लड़के लड़कियां जिनके लिए कोई सावेज, जिनके लिए कोई मुहूर्त नहीं बन पाता, वो अक्षय तृतीया को बिना पूछे ही शादियां उनकी हो जाती, क्योंकि ये अपने आप में बहुत शुभ घड़ी होती है।
इसको पूजने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसको अबूज मुहूर्त भी कहते हैं। तो ये अक्षय तृतीया और इस दिन किया गया कार्य शुभ फलदायी होता है। तो राजस्थान में इसकी बहुत महत्वता है, इसलिए सर्वाधिक मात्रा में जो शादी ब्याह होते हैं इसमें, अब तो फिर भी काफी रोक लगा दी गई, लेकिन जो ज्यादातर जो नाबालिग शादियां जो होती थी वो नाबालिग शादियां राजस्थान में अक्षय तृतीया को सर्वाधिक होती थी। ठीक है, तो ये अक्षय तृतीया और क्या है इसका, तो देखो इस दिन जो है किसान जो है 7 प्रकार के अन्न की पूजा करता है, जिसे हम बोलते हैं सप्त धान्य, और शीघ्र बरसात की कामना करता है। किसकी कामना करता है? शीघ्र बरसात, क्योंकि बैसाख का महीना है, गर्मी अपने प्रचंड लेवल पे होती है बैसाख और जेठ के महीने के अंदर। अगर यहां पर हम बात करें तो कौन सा महीना चल रहा है अंग्रेजी का, देखो जनवरी में अपने, चैत्र में हमने बात की थी मार्च और अप्रैल, तो यहां पर कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल और मई। तो अप्रैल और जो मई जो है ये गर्मी की ओर बढ़ता हुआ महीना है, गर्मी अपने शिखर की ओर पहुंच रही है। ठीक है, तो यहां पर किसान 7 प्रकार के अन्न की पूजा करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर शीघ्र बरसात करवाए। आगे बढ़े तो इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, परशुराम जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण समुदाय जो है इस दिन परशुराम जयंती मनाता है, और बीकानेर जो है उस बीकानेर की स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाई जाती है। बीकानेर का जो स्थापना दिवस है, बीकानेर का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी, सतयुग की शुरुआत होने के कारण इसको ज्यादा पुण्यदायी और ज्यादा शुभ माना जाता है। कि ऐसे कहा जाता है कि इस दिन जो काम कर रहे हैं उसमें भी सत्य वचन या सत्यता का समावेश ज्यादा होता है, इसलिए इस दिन ज्यादा शुभ फलदायी काम किए जाते हैं। तो हमने बात की आखा तीज जो है, आखा तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन किए जाने वाले जो कार्य है वो अक्षय होते हैं, उनका जल्दी क्षय नहीं होता। 7 प्रकार के अन्न की इस दिन किसान पूजा करता है, शीघ्र बरसात की किसान कामना करता है, परशुराम जयंती इस दिन मनाई जाती है, और बीकानेर की स्थापना दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। और अगर हम इस दिन बात करें तो देखिए हल की पूजा की जाती है, किसान जो है वो इस दिन हल की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? हल की पूजा करता है, ताकि आप ये कह सकते हैं कि आने हल जो है, या बलराम जी जो थे उनका शस्त्र था हल, तो बलराम जी की पूजा कह सकते हैं, या फिर हल की पूजा करते हैं ताकि आने वाले समय में किसान का जो परम साथी है वो हल उसका साथ निभा सके। तो हल की पूजा इस दिन की जाती है। आखा तीज से जुड़े क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चलते हैं आगे, दूसरा और कौन सा बिंदु इस दिन, देखिए अच्छा एक चीज और भी है, देखो जो एग्जाम में पूछा गया था कि खींच गलवाणी क्या है, ये कई ऐसे छोटे छोटे शब्द कोश है जो अक्सर शब्दार्थ जो पूछ लेते हैं खींच गलवाणी क्या है। तो खींच गलवाणी जो है इस दिन खाया जाने वाला पकवान जो है उस पकवान को खींच गलवाणी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछ ले जाए कि खींच गलवाणी क्या है, तो सीधी सी बात है खींच गलवाणी पकवान है, इसमें उलझे नहीं। ये छोटे छोटे शब्दावलियां है जो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे बेलावनी है, खींच गलवाणी है, तो खींच गलवाणी क्या है, एक पकवान है जो इस दिन खाया जाता है। आगे बात करें तो शुक्ल पक्ष में हमने एक बिंदु पढ़ा आखा तीज, उसके बाद दूसरा त्योहार अगर है तो दूसरा त्योहार है शुक्ल पक्ष 15। अब इसको हम 15 तो कहते नहीं, क्या कहते हैं शुक्ल पक्ष की 15 को? शुक्ल पक्ष की 15 कहते हैं पूर्णिमा। और ये जो पूर्णिमा है, बैसाख की जो पूर्णिमा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा।
भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। महानिर्वाण, देखो भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, और महानिर्वाण, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण जो है वो इसी दिन हुआ, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्लियर? तो हमने बात की शुक्ल पक्ष के दो त्योहार, नंबर एक तीज, तो तीज में कौन सा है आका तीज, और पंद्रह या पूर्णिमा पे कौन सी है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, आगे चले। तो ये हमने वैसाख पढ़ा, अब चलते हैं जेठ की ओर। ज्येष्ठ या जेठ, और इंग्लिश मंथ जो कौन सा है तो वो है मई और जून। हिंदी कवियों में भी खूब कहा है जेठ की दोपहरी, और इसको जेठ यूं ही नहीं कहते, अच्छे अच्छियों के सिर पे पल्लू आ जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है कि हर कोई सर को ढकने को तैयार है हो जाता है, तो इसको ऐसे ही जेठ थोड़ी कहते हैं। जेठ का मतलब क्या है, जो अपने से बड़ा है, ज्येष्ठ बड़ा है, जिसके सामने सर पे पल्लू रखा जाता है। तो ये महीना भी ऐसा ही है, जिसके आते ही अच्छे अच्छे व्यक्ति अपने सर पे पल्लू रखना शुरू कर देते हैं। तो ज्येष्ठ मतलब सबसे भीषण गर्मी का समय। चलते हैं ज्येष्ठ की ओर, की ज्येष्ठ के महीने में कौन कौन से त्योहार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैकृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों की हम बात कर रहे हैं कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कृष्ण पक्ष जो है, तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार है, बता चुका कि त्योहारों की संख्या गणगौर के बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है और तीज से वापिस बढ़ती चली जाएगी। इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी है कि इस समय जो हमारा प्राकृतिक परिवेश जो है वो उसमें उष्णता आ जाती है। राजस्थान के त्योहारों की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का जो क्लाइमेट जो है, जो मौसम जो है, वो भी इसको सपोर्ट करता है कि इस समय पर चारों तरफ इतनी गर्मी बढ़ चुकी होती है कि व्यक्ति त्योहार कैसे मनाएगा, त्योहार के अंदर जो खुशी उमंग है वो गर्मी के मौसम को देखते हुए फीकी पड़ जाती है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर त्योहारों की संख्या भी कम है, क्योंकि प्राकृतिक जो पर्यावरण जो है वो भी बदल रहा है। ठीक है, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, इसका नेचर के साथ में बहुत गहरा संबंध भी है, और यहाँ पर इस बात को सिद्ध भी कर रहा है। तो देखिए ज्येष्ठ का जो महीना है, ज्येष्ठ के महीने में अगर हम बात करें तो अमावस्या, कृष्ण पक्ष अमावस्या जो है इसको बड़मावस या वट सावित्री व्रत के रूप में या बड़मावस के रूप में, कृष्ण पक्ष में ये एक व्रत है, त्योहार कहते हैं इसको, त्योहार भी कह सकते हैं, मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सुहागिन जो महिलाएं होती है वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति की उम्र के लिए ये व्रत करती है। सत्यवान और सावित्री की कहानी आपने सुनी होगी कि सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए यमराज से अपने पति के प्राण वापस खींच लिए थे, यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। ऐसे कहते हैं कि वो उस दिन सावित्री जो थी, सावित्री को बड़ के पेड़ के नीचे यमराज जी के दर्शन हुए, उन्होंने अपने पति को वापस प्राप्त किया। तो वट सावित्री जो व्रत है वो उन्हीं की याद में किया जाता है, बड़मावस। ठीक है, तो एकमात्र कृष्ण पक्ष में जो त्योहार ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है वो कौन सा है, बड़मावस। शुक्ल पक्ष की ओर चलते हैं, तो शुक्ल पक्ष में देखिए सबसे पहले नंबर तीन की बात करें तो यहां पर महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती की बात करें
तो महाराणा प्रताप के जन्म दिवस को लेकर के इतिहासकारों में, लेखकों में जो है वो मतभेद है, लेकिन जो आपके हिंदू जो ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वो चाहे 9 मई को माने या 9 मार्च को माने या 9 अप्रैल को माने, लेकिन यहां पर जो दिया गया यहां पर सिर्फ एक तिथि है कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो इस दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। फिर आगे चले तो आगे देखते हैं कि इस महीने में आता है दसवीं तिथि, और दसवीं तिथि को गंगा दशहरा। अब बात करते हैं कि दशहरा कितने मनाए जाते हैं पूरे साल में, तो पूरे साल में दो दशहरे मनाए जाते हैं, एक दशहरा जिस दिन रावण मरता है और दूसरा दशहरा जिस दिन गंगा जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा जी जो है वो भागीरथ की तपस्या का वरदान साबित करने के लिए इस धरती पर आई थी, तो गंगा जी जिस दिन धरती पर आई थी मृत आत्माओं को स्वर्ग देने के लिए या उनके पापों को धोने के लिए, तो उस दिन वो कहते हैं गंगा दशहरा। तो ध्यान रखना ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 3-10, फिर आगे है 11, जस्ट दूसरे दिन, दूसरे दिन जो है वह है निर्जला एकादशी। नाम से पता चल रहा है निर्जला, जिसमें जल का, जल को ग्रहण नहीं किया जाता, जल को नहीं पिया जाता, वो कहलाती है निर्जला एकादशी। इसको भीम एकादशी भी कहते हैं, भीम एकादशी। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है इसको। ऐसे कहते हैं कि ये व्रत भीम ने किया था। भीम जो था वो अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, भीम जो था उसको भूख ज्यादा लगती थी। एक बार श्री कृष्ण से भीम ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं, कौन सा उपवास करूं कि जिससे मेरा जो जीवन में किए गए सारे पापों का नाश हो जाए और एक ही व्रत से या एक ही कार्य से मुझे सभी व्रतों का पुण्य मिल जाए, क्योंकि मैं भूखा तो रह नहीं सकता। जैसे और लोग बाग व्रत करते हैं, कभी किसका व्रत किया, मैं तो सर इतने व्रत तो कर नहीं सकता, मुझे तो कोई ऐसा एक ही व्रत बता दो जिसमें सारे व्रतों का समावेश हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन पानी भी नहीं पिया जाता और उस एकादशी के व्रत के अंदर सारी एकादशियों का, पूरे साल में जो 24 एकादशी आती है उन 24 एकादशियों का पुण्य उस एक एकादशी के व्रत में समाहित है। अगर आप ये एकादशी, एक अकेले एकादशी करते हैं तो इसके अंदर पूरे 24 एकादशियों का व्रत का आपको पुण्य मिल जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि भीम ने अपनी भूख को बड़ी मुश्किल से नियंत्रण करके, जो कि बहुत उसकी भूख बहुत बढ़ जाती थी, वो भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाता था, उसने उस पर कैसे नियंत्रण किया और इकलौती एक 11 का व्रत किया, एक एकादशी का व्रत किया, इसलिए इसको भीम एकादशी भी कहते हैं, इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। और राजस्थान में जो है ये एकादशी बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। आपने देखा होगा कि जयपुर में तो विशेष तौर पर कदम कदम पर रोक रोक करके जबरदस्ती ले भाई जूस पी, शक पानी पी, कोई आइसक्रीम बांट रहा, कोई क्या कर रहा, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। ठीक है, एक तो गर्मी का प्रचंड वेग, जिस समय पर कंठ का जो ला रहे थूक है वो भी सूख जाता है, और उस समय पे आप पानी नहीं पिएंगे तो सोचो हमारे शरीर की क्या कंडीशन होगी, शरीर के अंदर का जो पानी वो भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो यहां पर ये निर्जला एकादशी है। तीन त्योहार पड़े, तीसरा 30 को महाराणा प्रताप जयंती, दसवीं को गंगा दशहरा, 11 को निर्जला एकादशी, और लास्ट में है पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है, ठीक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। चलो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा क्यों फेमस। तो मैं बात कर रहा हूं कि इस पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके लिए क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए पिछली जो पूर्णिमा थी ना, चैत्र पूर्णिमा,
वो हमारे लिए हनुमान जयंती थी, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा थी, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा हमारे लिए बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा थी उसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है ये खाली है, ठीक है ना, इसको कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि आगे भी जो पूर्णिमा आएंगी आषाढ़ की, चैत्र मास, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, सावन, उनकी जो आगे जो दो तीन जो पूर्णिमा आएंगी उन पूर्णिमा को त्योहार है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को त्योहार नहीं मनाया जाता। एग्जाम में सिंपल सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस पूर्णिमा को त्योहार नहीं मनाया जाता, तो कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चैत्र को भी है, वैशाख को भी है और ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ को भी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ध्यान रखना पूर्णिमा जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा को कोई त्योहार नहीं है, यहां पर केवल तीन त्योहार है, महाराणा प्रताप जयंती, गंगा दशहरा, निर्जल एकादशी, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ को साढ़ भी कहते हैं, जून जुलाई, जून का थर्ड वीक फोर्थ वीक इसमें इंक्लूड होगा, जुलाई का फर्स्ट और सेकंड वीक इसमें शामिल होगा, प्रथम और द्वितीय दो सप्ताह इसमें शामिल होगा। तो देखो प्री मानसून जिसे कहा जाता है, ध्यान रखना मानसून आने से पहले की जो बारिश जो आती है उसे प्री मानसून कहा जाता है। तो प्री मानसून जो आता है ये इसी टाइम पे आता है। प्री मानसून का संबंध किस माह से है? आषाढ़ से, साढ़ से है। किसान अपने आप को तैयार करता है खेती बाड़ी के लिए, किसान इस समय पर खेतों में जाकर काम शुरू करना, खेतों की साफ सफाई है, खेतों में जो घास फूस उग रहा है, जो कूड़ा करकट फैला हुआ है उसको साफ सफाई करना और तैयारी करना शुरू कर देता है। तो ये प्री मानसून जो है आषाढ़ जो है, और अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो आषाढ़ के महीने में बुआई भी कर दी जाती है, जो जिसे हम अगेती खेती कहते हैं, जो प्री एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं अगेती खेती बोलते हैं, वो अगेती खेती यहां पर हो भी जाती है, ठीक है। तो कई जगह यहां पर बीज की बुआई भी शुरू कर देते हैं। आगे बात करते हैं आषाढ़ के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो देखिए कृष्ण पक्ष में तो यहां पर वही जून का टाइम है, शुरू के 15 दिन जून बिल्कुल तपती हुई तेज गर्मी है, और जून के महीने में यहां पर कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता, बिल्कुल खाली है आषाढ़ का महीना। एक यहां पर एकादशी आती है, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं, योगिनी एकादशी है, और इसका भी इतना कोई त्योहार नहीं है, एक व्रत किया जाता है एकादशी का, योगिनी एकादशी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहां पर जो शुक्ल पक्ष है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि चार तरह के नवरात्रि होते हैं, दो नवरात्रि गुप्त होते हैं, दो नवरात्रि सामान्य होते हैं, एक बासंती है, एक शारदीय। बसंती नवरात्रि चैत्र के महीने में आते हैं और शारदीय नवरात्रि अश्विन के महीने में आते हैं, ठीक है। यहां पर शुक्ल पक्ष में आषाढ़ के माह में प्रथम तिथि से जो नवरात्रि है उसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि, जो कि वर्ष में चार बार आते हैं, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रा एक से लेकर के 9 दिन तक वो चलते हैं। उसके बाद में यहां पर
नवमी को भड़ल्या नवमी, जो कि जो शादी विवाह जो होते हैं उन शादी विवाह का ये भी एक अबूज मुहूर्त कहा जाता है, ठीक है। भड़ल्या नवमी इस दिन भी साहू की जबरदस्त धूम रहती है। सावों की धूम क्यों रहती है? क्योंकि अब सावे धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे हैं और ये सेकंड लास्ट सावा है, सेकंड लास्ट सावा है जिनका इस सीजन में शादी हो गई तो हो गई, वरना फिर 4 महीने के लिए वेट करो। तो 4 महीने के इंतजार कौन करे? 4 महीने पहले जी जो निपटाना चाहते हैं उनके लिए एक सेकेंड लास्ट चांस है भड़ल्या नवमी का, क्योंकि 2 दिन बाद लास्ट चांस भी है और वो है देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी जो है इस दिन देव सो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर देव कैसे सो जाते हैं, देव सोने का संबंध क्या है? आप इसको ये कह सकते हैं कि एक तरफ बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, चतुर्मास जो है 4 महीने का जो बरसात का जो समय है वो शुरू हो चुका है। आपको पता है तेज बारिश बरसेगी, तेज हवा चलेगी, तूफान झक्कड़ होंगे। ऐसी कंडीशन में शादी विवाह के अंदर जो किया गया प्रोग्राम है उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी, एक तरह से वो भी गलत है। दुनिया भर के छोटे मोटे कीड़े, दुनिया भर के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वो शादी विवाह के कामों के अंदर भी, शुभ कामों के अंदर भी दखलंदाजी देते हैं। प्राकृतिक कारण तो ये है। अगर हम बात करते हैं कि सर इसका देव शयनी एकादशी में देव सो जाते हैं इसका और क्या रीजन है, तो ऐसे कहते हैं कि प्राचीन मत के अनुसार राजा जो बलि थे, राजा बलि ने भगवान वामन अवतार के रूप में जब विष्णु भगवान आए तो उनको 3 पग जमीन दी, 3 पैर जमीन दी दान के अंदर, 2 पैर जमीन के अंदर उसने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, 3रे पैर जमीन के लिए राजा बलि ने अपना सर विष्णु भगवान के आगे कर दिया कि आप 3रा पैर मेरे सिर पे रख सकते। विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न हुए और कहा कि 3रा पैर मैंने आपके सर पे रखा है। तो जो ही पैर सर पे रखा तो राजा बलि है वो पाताल लोक को चले गए, पाताल लोक में धंस गए। लेकिन विष्णु भगवान को 3 पग जमीन के लिए अपना वचन पूरा किया, विष्णु भगवान खुश हुए और कहा कि बताइए मैं आपके क्या, मैं आपकी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूं। तो राजा बलि ने कहा कि अगर आप मेरी पूजा से, आप मेरी भक्ति से, सेवा से प्रसन्न हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक वरदान मांगता हूं कि आप सदैव मेरा जो पाताल लोक का जो गेट है, पाताल लोक का जो द्वार है उस पर द्वारपाल बन के बैठे रहिए। विष्णु भगवान को वरदान देना था, उन्होंने कहा तथास्तु। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए राजा बलि के यहां पर चले गए। बाद में माता लक्ष्मी को जब पता लगा तो माता लक्ष्मी ने बहन बन करके राजा बलि से वरदान के अंदर अपने पति को मांगा और वहां से विष्णु भगवान को आजाद करवाया। तब जाकर के देव उठनी जो एकादशी जो है वो मनाई गई और राजा बलि के पाताल लोक से भगवान विष्णु को आजाद करवा करके स्वर्ग लोक में लाए, वैकुंठ लोक में लाए। तो बात ये कर रहे हैं कि देव शयनी, देव सोते नहीं है, 4 महीने के लिए भगवान का वास पाताल लोक में हो जाता है, इसलिए इसको देव शयनी एकादशी भी कही जाती है। आगे बात करते हैं, मैंने कहा था पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा को त्योहार है। देखिए यहां पर विष्णु भगवान देवलोक को चले, पाताल लोक को चले गए। अब विष्णु भगवान पाताल लोक को चले गए तो पीछे शासन कौन संभाले, पीछे कारोबार कौन संभाले? तो विष्णु भगवान ने जाते हुए ये शासन किसको दे दिया? गुरुजी को दे दिया कि गुरुजी 4 महीने तक मैं तो रहूंगा पाताल लोक में और आप यहां पर व्यवस्था संभालिए। तो इसलिए पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। तो हमने बात की कि आषाढ़ के महीने में त्योहार कौन कौन से आते हैं, तो यहां पर कृष्ण पक्ष में केवल एक योगिनी एकादशी है और शुक्ल पक्ष में बात करें तो गुप्त नवरात्र है, मां की शक्ति आराधना है, नवमी को भड़ल्या नवमी, एकादशी को देवशयनी एकादशी, दोनों आभूत सावे हैं और ये 15 जो है ये गुरु पूर्णिमा है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे यहां पर शिक्षक दिवस जो आदि अनंत समय से मनाया जा रहा है उस शिक्षक दिवस को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि गुरु का सम्मान भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च था, है और रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चार महीनों के त्योहारों को समझा और याद किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आज इतना ही काफी है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले जो बाकी महीने बचे हैं आषाढ़ के बाद, जो विश्रावण है, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, उनके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।